इसी मिनट में आपके चाहते कलाकार कर्मवीर जी फौजी होंगे। क्लासिकल अलग होते हैं और मेरे वाला सिस्टम है जो थोड़ा दूसरे टाइप का, क्योंकि आप लोगों को पता है भगत जनों में फौजी हूं, ऊपर से जाट हूं, और जाट का और इस चाट का कोई मेल नहीं होता भाई। गोट ये तो अपना तो तुमको लाग रहे हो भाई। कई बंदे आवे भाई, देख बहुत अच्छे अच्छे सुरीले सुरीले कलाकार भी आप लोगों के बीच में बैठे होंगे। कई बंदे बोल भी देते हैं फौजी के गावे, मैं कुछ कोई गाऊं भाई ना, मन गाना है सीधी सी बात है, अपनी तो 54 रुपए में चल रही है और जब लगे चल लगी धड़ाधड़ चलाऊंगा और चलानी भी चाहिए। क्यों भाई, बालाजी महाराज की कृपा है, वेरी गुड बस। और अभी एक भजन, ये माताएं बहने बैठी हैं, इनके जमाने की धुन पुरानी, क्योंकि पुरानी फोक धुन है वो सदा अमर रहेगी। किस प्रकार से एक छोटी सी 10-12 साल की गुड़िया अपने बालाजी महाराज ने यूं बोली कि हे बाबा, हर साल मैं तेरे दर पे आती हूँ, हर साल तेरे भजन कीर्तन सत्संग जगराते का कोई भी प्रोग्राम होए मैं भी आऊं, लेकिन एक बार भी तुम्हारे घर को नहीं आयो, एक बार हमारे घर आ जा बाबा और मैं थारी इतनी सेवा करूंगी, वापिस मुड़ कर पाछे जान को थारो जी को नहीं करेगो। और एक बात के द्वारा बहुत ज्यादा याद करती है अपने बाबा को, और जब कोई किसी को भड़ाई याद करे तो भक्तों अपनी बॉडी में रिएक्शन होए, ऐसे हिचकी आवे तो समझो कोई याद करे। इसलिए उस बालाजी महाराज की याद में छोटी सी गुड़िया को क्या हिचकी आती है, भगत जनों क्या बता दिया। मन आवे हिचकी, ये बालाजी बजरंगी की याद सतावे हिचकी। ये मन बढ़ेगी बात, बढ़ाऊंगा टेंशन मत लो, बढ़ाऊंगा वोल्टेज धीरे धीरे उठाऊंगा, एकदम नहीं फ्यूज हो जाएगा, समझा करो, हंसे करो। हंसना इसीलिए जरूरी है क्योंकि दिमाग में टेंशन रखोगे हार्ट अटैक की बीमारी पैदा होगी। हंसने वाले बंदे को जिंदगी में कभी हार्ट अटैक नहीं होता, इसलिए ऑलवेज बी हैप्पी। मैं चाहता हूँ जब तक मेरा प्रोग्राम चले हर एक के चेहरे पर हंसी खुशी खिलावट बनी रही। कैसे, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। अरे देखे कैसे तो क्लासिकल गाती है, मुझे भी आता है, सारे का मा पा दा नी सा नी दा पा मा गा रे सा, बस इससे आगे दी एंड। अरे देख मूवी वाला भी हंसिया, क्या बात है, यानी मेरा प्रोग्राम सफल। तो स्टील खड़े रहना, तेरा फाइनल बिगड़ गया तो सारे संतों को नाश हो जाओ, जितो चल रहे आगे बात है। शुरू करें मास्टर जी। ए मन आवे हिचकी, ए बालाजी की याद मने सतावे हिचकी। मन आवे हिचकी, ए बालाजी की याद मने सतावे हिचकी। मन आवे हिचकी, ए बालाजी की याद मने सतावे हिचकी। मन आवे हिचकी। भाई साधु काम, इसका दो झटका जाएगी।
अरे डट जाओ, स्टाम्प चलाना है यार। मेरे प्रोग्राम होना तो सॉलिड लगाया करो, थोड़ी सी मैं स्लाम ज्यादा लगाता हूँ, लॉन्ग जंप किया मैंने आर्मी के अंदर, ठीक है, समझा करो बात को। आप ही बैठे होंगे, फौजी बड़े खुश है, ऐसा ना डकैतलोन होती है ना, डकैतलोन में सारी हमें टाकते हैं, वो करता था कैसे, हाँ याद करने दे, मैं भूल जल्दी जाता हूँ। ए मारे अंगन बेरी, मारे अंगन बेरी मैं तने खवाऊंगे, एक मरमाला घरिया जतन जानन दूंगी फेर, एक मरमाला घरिया जतन जानन दूंगी फेर। ए मन ए चीची ए बेबे ए मन आवे जिंदगी, अल्लाह जी की याद मने सतावे जिंदगी, मन आवे जिंदगी। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, शायद मैंने अभी तो नजदीक मत लगी, अच्छा अच्छा अमरूस लगा रखो है, बॉर्डर एरिया क्रॉस मत करना, चलो जी। हाँ ये मन आवे हिचकी, अल्लाह जी की याद मन सतावे हिचकी, मन आवे हिचकी। बोला था ना बनेगी बात, टेंशन मत लो। अरे कालिया बिंदलिया क्या बात है बेटा, खुश खुश है ना, ये लटके झटकों के ऊपर बड़े खुश होते आप लोग, क्या बात है। हाँ ये मन आवे हिचकी, दिल खुश हो जावे पर मेरी हिचकी बनती जावे, दिल खुश हो जावे पर मेरी हिचकी बनती जावे। छोरियो ए बेबे ए मन आवे हिचकी, अल्लाह जी की याद मन सतावे हिचकी, मन आवे हिचकी। Yeah.
ऑब्जेक्शन, किस चीज को प्रोग्राम चल रहे भाई? बालाजी महाराज का, वेरी गुड, बालाजी महाराज का भजन चला हुआ है, ढोल ढमाके बजे हुए हैं, दरबार सजा हुआ है और तब तो यूं आके बैठ के जरूर फैक्ट्री की भूख हड़ताल में बैठे हुए यूं आकर जगराता। देखो लेडीज आसन लाग रही है, के बात है तमें चंद्रकांता सीरियल देखने आ रही हो, तमें भी जगराता में आई हो, तारी धुन चाल रही है, कम से कम ताड़ी तुड़ी को नहीं बजाया करते थारे गांव में। एक मिनट, लेडीजों की धुन है, लुगाया ताड़ी बजाएंगे, सारी तरह सा मिल के ताड़ी बजाइए, ठीक से जी, वेरी गुड। कैमरा कर ले, अंडे कर ले कैमरा, चलो आप मेरे साथ ताड़ी बजाइए, ऐसे नहीं, ताल के साथ ताल मिला के स्किल दिखाओ मास्टर जी। हाँ, ये मेरा नो डांडी का पीछना है, मेरा नो डांडी का पीछना, नित बालाजी की हो गई देर, छड़ा झड़ा झड़ो झड़ा झड़ा झड़ी बाजे जोत जनावे करमवीर फौजी भी थारे भजन बना के गावे, करमवीर फौजी भी थारे भजन बना के गावे। मने ये आंटी ये चाची ये बहन ये मने आवे हिंज की बालाजी की हाथ में सतावे हिंज की, मने आवे हिंज की बालाजी की हाथ में सतावे हिंज की, मने आवे हिंज की क्या हुआ? अच्छा जी, बड़ा समझदार हो तुम, है समझ गया, कोई बात नहीं, होता है, खुश रह करो। बोल बालाजी महाराज की, जोर से बोलो, मत बोलो, मैंने बेरो है ना, धीमान रहो पड़ी यार, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है मुझे, हाथ ऊपर, हाँ वही मैं सेम कर रहा हूँ जगराते वाली, वही सेम, ओ ताऊ, हाँ तने बोलो पाछे ऊपर हाथ और जोर जय कर बोली, ए रोशनी बेटा दोनों हाथ आइया, वेरी गुड, काम में इसे नाम पावे तो, वेरी गुड, जोर बोलियो, जो बोलेगा बालाजी महाराज की जोर से जय, उसका दूर होगा डरोर भय, जो नहीं बोलेगा जोर से जय, उसका छोरी होगी पूरी। मैं कौन ही बोलूं जी, हर गांव वाला खुद बोलूं, बोल बालाजी महाराज की, ये राम यू छे छोरी का डर, कोई बात नहीं, मत बोलो जयकारा, मैं बुलवा लूंगा, मेरा यही काम है, ओके मैं पिपिया का टक्कर ला लूंगा, जयकारा ही बोलो रोज मन भी रोज ठेकिया बोल रहा, वेरी गुड। और अभी मैं देखो खुश रहा करो, एक भजन और लाता हूं मैं, उसके बाद एक मिनट के का ऐसा इम कहीं आदमी ना, तुम्हें कसाई दिखो अंडे खजो मन बेरो है था, मैंने के बताओ बावड़ा, मैं 5-6 साल होया कलाकार बना हूं, उससे पहले में भी थारे की डाल बीच में बैठा इया करने वाला मैं था, मन सारो ही बेरो है, वो क्या करना, तितर जाने तितर की मैं जानू थारे भीतर की, पर ये माइक जिसके हाथ में होता है उसकी बड़ी जवाबदारी होती है, ये माइक पकड़ने के बाद में यहाँ बंदा अगर खड़ा हो जाए ना तो पिंडली कांप है, बोल रहा है कुछ, लिख रहा है कुछ, सोच रहा है कि मेरे को है कि नहीं, लेकिन यहाँ बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है, बाबा का दरबार सजा है, इसीलिए किसी की मर्यादा के खिलाफ कोई शब्द, किसी की शान के खिलाफ शब्द कोई अपशब्द निकल जाए उसका भी ख्याल रखना पड़ता है। आएंगे कलाकार सभी आप लोगों के बीच में आएंगे, आते रहेंगे बारी बारी और बालाजी महाराज का गुणगान करते रहेंगे, एक भजन और मैं आप लोगों के बीच में रखता हूँ, उसके बाद में फिर मैं मैडम को बुलाता हूँ आप लोगों के बीच में, ठीक है, आराम से बैठ जाओगे तो एक भजन गा के बैठ जाऊंगा, ज्यादा शोर मचाओगे तो दो गाऊंगा, इसीलिए मुझे प्यार से ही सुन लो, धीरे धीरे सुन लो, ठीक है ना आंटी, सही बात है, प्रोग्राम मेरो आज के लिए रूल मेरा लड़की से चाल गयो, फौजी साहब लड़की क्या आएगी, मैं बोले यार जागरण को प्रोग्राम है मैं आ जाऊंगा, मैं देहात खटे को नहीं, 2-4 तो लेता ही आई जाओ, देहात खटे को नहीं यार, देहात किया डटेगी आज देखा, कोई टेंशन मत लो, है सॉरी हंस मत, हंसी तो बे मतलब की ठीक नहीं होती, मैं ये कहना चाह रहा हूँ,
हंसी तो बेमतलब की ठीक नहीं होती, तुम ज्यादा एडवांस दिमाग मत लड़ाया करो, समझ गया? वेरी गुड, बोल बालाजी महाराज की। हाँ, तो ये भजन किस टाइम को है कि तिजरा गांव के अंदर बहुत सोना बालाजी महाराज को सत्संग लाग रहे है और सारे आसपास के गांव के अंदर जो है मर्यादी करवा दी गई, भाई बड़ा सोना जगराते का प्रोग्राम है, विशाल जागरण है और भाई लुगाई छोरी भेड़ी हो गया सारे गांव में जब चाली। तो एक घोड़िया अपनी सासू माँ ने बोली कि माँ पड़ोस के गांव में बहुत ही सोनो सत्संग लाग रहे है, आज सारी लुगाई छोरी जावे है, मैं भी जाऊंगी। वह बुढ़िया थोड़ी सी तड़क से भाव की थी, यूं बोली, देख बेटी भीड़ भड़ाको घड़ो पावागो, कल युग का टाइम है, जमाना मारवा रहे है, और बेटी के का डगीरा दे। बोली माँ माँ जाऊंगी। बोली ये कौन ही जान देती, मैं बोली मैं तो जाऊंगी। बोली जब तेरे को बता दिया नहीं जाना, फिर वह बोड़िया ने बोली माँ देख मैं फिल्म देखने जाती तो मैंने मना कर देती, मैं एक मिनट से पहले मान जाती, लेकिन भजन सत्संग जगराते कीर्तन के प्रोग्राम में तो मैं कदे मारे घर भी कोई डटी, मेरी माँ के साथ या मेरी दादी के साथ हर भजना में सत्संग जगराते में जाया करती मैं, और जब की धारा आई सुने थारा तो लड़ाई झगड़े भद को नहीं हो, हम भक्ति में ध्यान ही को नहीं दो, तो इसीलिए मैं तो जाऊंगी तू भी मेरे साथ चल। लेकिन यू बोलिए ना तो मैं जाऊँ, वह बुढ़िया बोली और ना तक मैं जानते हूँ। बोली मैं तो जाऊंगी। बोले तू जाके दिखा, मैं अपने बेटे ने बताऊंगी। बोली तू तेरे बेटे ने बता चाहे मेरे ससुर ने बता, किसी ने भी बता, मैं तो जाऊंगी और तुम रोक के दिखाओ मन ने। और के बोली एक बात के द्वारा क्या बता दिया, हाँ अरे मैं तो जगराता सुन के आऊंगी, आज तिगरा काम में जाके और बालाजी दर्शन पाऊंगी, मैं तिगरा काम में जाके। ये तू बुढ़िया जोर लगा ले चाहे, तेरे बेटे ने बहका ले मने, आज देखू कौन रोकेगा रोकेगा, बालाजी दर्शन पाऊंगी मैं तिगरा काम में जाके, बाबा के दर्शन पाऊंगी मैं तिगरा काम। I'm gonna make it.
कोई भी बात हंसी मजाक की याद आ के मेरे बचाने को नहीं जावे। मेरा नवा नवा ब्याह हो गया था और मेरी मामा ने बोली रे बेटो तेरा नया नया ब्याह होया है, बहू ने सागे ले जा फौज में बेटा, इसका दिल लग गया रहेगा। मैं बोला कोई बात नहीं मां ले जाऊंगा। मेरी मां भक्ति में बड़ा ही ध्यान रखे पर मारा फौजर को ना रखती। मेरी मां ने मंदिर दे दिया बालाजी महाराज का, बेटी को आटा में धूप बत्ती करती रही है, बेटी सुख शांति रहेगी घर में। बोली ठीक है मम्मी जी, चला गया अंबाला कैंट में, मेरी ड्यूटी थी भाई। उसके बाद में 15-20 दिन तो ठीक ठाक रही और 15-20 दिन पाछा फौजर मैंने बोली देखो जी, मखा बोलो जी, मैं गांव की सीधी पादरी लुगाई नहीं रही हूँ, मखाई भी क्यों गयो, अभी तो मैं जेंटल बन गई हूँ। मखा बहुत बढ़िया। बोली मेरे को फेयर लवली क्रीम चाहिए, इंटरनेशनल लक्स का साबुन चाहिए, कियो कार्पिन का तेल चाहिए। मैं बोले बौली देसी सरसों का तेल गांव में हमारी दादी माँ चाची ताई बरतती आई तो मैं भी वही मिला हूँ। बोले नहीं जी मन तो बदबू आवे, मुझे तो वही क्यों कार्पिन चाहिए। मैंने सोचा भाई कोई बात नहीं, जब लेकर आ गए फौज में तो कंजूस पड़ा के बर्तन लटरम पटरम सारा सामान मैंने आर्मी कैंटीन से जाके दे दिया जो फौज ने मंगाया था। अब 3-4 महीना पाछा मैंने फिर बोली देखो जी, मखा बोलो जी, जब हम तोपखाना बाजार में शॉपिंग करने के लिए गए थे ना, मखा हाँ, तो आपने देखा होगा एक मीम साहब ने जलेबी जूड़ा बना के रखा था, मुझको तो वैसा वैसा जलेबी जूड़ा बनाना सीखना है। मैं बोला बावड़ी ने मेरी चाची ताई माँ और छोटी राखे गामा में कितनी सोनी लाग है, तू के काटे की जलेबी जूड़े में था। बोले नहीं जी नहीं मुझे बनाना सीखना है। मगर कोई बात नहीं वो भी सीख ले तू। मेरी माँ क्वार्टर पे आई 5-6 महीने पाछा बेरा लेवन खाते बहु बेटा ठीक सही कोनी। बोली रे बेटा बहु का तो हिसाब किताब सब कुछ बदल गया। मगर क्यों हो गया रे घूंघट घाघट की मैं ना करती। मैं बोलिया माठ है कोई राजस्थान का, कोई यूपी का, कोई दिल्ली का, या किस किस तक घूंघट काट देगी, गांव में आवेगी तो मर्यादा कायदे कानून है करे गांव के लाग जाएगी काटन। बोली रे बेटा एक बात और मखबक मसी। बोली रे गांव में तो बर्तन भांडा कासन चोरी हो जावे, कोई बात नहीं थारे क्वार्टर में फौज में भी होने लाग गई। मैं खकी होया। बोली रे बेटा कल परसों तो अपना 2 किलो डोलू उठा लिया किसी ने, जो मैंने थारे तक फौज में जाते आन दिया था। बेटा आज वो दूध दीवार है बेटा, मैंने दूध लेना था, पाइया की लुटिया रखा गया था मियां बेटा, पाइया की लुटिया भी गायब हो रही है। मैं बोलिया मां 2 किलो डोलू भी पावेगा, पाइया की लुटिया भी पावेगी, क्वार्टर में इधर उधर हो रहे होंगे, ढूंढ ले। मैं आया क्वार्टर पे ड्यूटी देकर, मैं फौजी को बोला खाना डालते जल्दी से मुझे ड्यूटी पे, ताकि दोबारा जाना। बोली खाना तो मैंने आज बनाया नहीं जी। बता क्यों, मैंने तो जलेबी जूड़ा बनाया जी। मैं बोला मजाक मत कर मेरे साथ, क्या है मैंने 15 मिनट के बाद ब्रिगेडियर साहब के साथ चंडीगढ़ जाना है। मैं कहा जल्दी कर ले, मेरे को बुलाया 15 मिनट में। बोली नहीं जी नहीं, मैंने तो जलेबी जूड़ा बनाया, खाना बनाया नहीं जी। और मेरी माँ वह टोलू टोंदी फिर 2 किलो और पाइया की लुटिया टोंदी फिर फौजर ने के चटपट करा क्यों आंटी जलेबी जुड़ा तुमने बनाना को नहीं आया। वह मेरी माँ ढूंढती डोलने थी ना पाइया की लुटिया, गुत्ती का पास से सर कर पाड़ा का बेड़ा दे रही और खुश हो रही, 1 मीटर खुश हो रही, मेरा जलेबी जुड़ा बन गया। मेरे कन्ने आई बोले देखा ना जी मैं कितनी स्मार्ट लग रही हूँ है ना। मेरा तो गुस्सा हो ही रहा था भाई, मैंने तो एक दिया खेच का थप्पड़ और थप्पड़ लागते झूठ को नहीं बोलू, क्वार्टर में पक्का फर्श था जूड़े में तो लिकुड़ का पाइया की लुटिया टन देसी बोली। मेरी माँ बाज का आई लुटिया ठा के खुश होगी, बड़ी शाबाश है मेरा बेटा, एक थप्पड़ और जड़ दे टोलू भी आ रहे तली कड़े का आ गया है लुटिया भी कड़े आई है। मैं तो हुक लगा के आऊंगी तेरे पापा के दर जाके, हर साथ चढ़ा के आऊंगी तेरे पापा के दर जाके, पापा के दर्शन करके अरे पीड़ा पार हो जाना, भजन कीर्तन पावे पावे का करम बिरदाना, पापा के दर्शन करके अरे बेड़ा पार हो जाना, भजन कीर्तन पावे पावे का करम बिरदाना। मैं सीधी उसकी आऊंगी साला सर में जाके, पापा के दर्शन पाऊंगी मेरे पापा के दर जाके, प्रसाद चढ़ा के आऊंगी तेरे राम में जाके, पापा के दर्शन पाऊंगी मैं तेरे राम में जाके, पापा की जोत रहूंगी मैं सत्संग में आज जाके रे।
महेंद्र नंबरदार 101 रुपए हमारे इस भजन पे खुश होकर देते हैं, भगवान उनको कई लाख ना ज्यादा बढ़ा करके दे। और अभी आप लोगों के बीच में टेंशन मत लीजो, क्या बात है बेटा, ले जा रहे लिफाफे में, आगे बैठो है आज तो। सिनम जी सेंटर में आऊ, बॉडी देखो रहे हो, एक मिनट, मैं आया जब देख किसी का जू नहीं सराई या बैठा सा सारा, और मैडम को आते ताड़ी सुन कर दी, हम क्या सोचते हो मैडम भी देख कितनी चौड़ी होगी ताड़ी सुन कर, ये छोरी हो मेरे नाम की तुम बजाओ बेटा इसे जो की जाओ, ये देख इज्जत अपनी भी है। वो कहते हैं ना बंदे की इज्जत बंदे के हाथ में होती है, दूसरा करे ना करे क्या के करवा ले, कोई शर्म नहीं होती इसमें है ना। अरे दोस्त समझते नहीं है बात का, चली आती है रात को फिर बोलती है 5 बजे आरती करवा देना, देख क्या पता जगराते कैसे होते हैं। अभी मैडम को बता दो कैसा प्रोग्राम है, इधर आके जब मैं भजन गा रहा था ना पीछे एक साहू जी ऐसे कर रहा था, वो देख आओ की आंखें तर तर मुछे थर थर, वो देखो बैठे हो, हाँ हाँ इसीलिए तो कहता हूँ भावनाओं को समझो भाई, जैसे चलो हंसने हंसाने की बात है क्योंकि आप बोर हो जाओगे अगर आप हंसोगे नहीं तो आप लोग यहाँ बैठे बैठे ना बोर हो जाओगे, इसीलिए जैसे मेरे भजनों को प्यार दिया है बारी बारी से मैं आऊँ, मैडम सिरम जी आई है उसके बाद एक और मैडम पीछे, हेलो यदि आप लोग का प्यार है तभी हम लोग हैं, और जैसे ही आपने आज तक हमारे गीतों को हमारे भजनों को प्यार दिया है वैसे ही हमारी एक एल्बम आ रही है फौजी सरकी और मेरी भोला नंबर 1, उसको भी ऐसे ही प्यार दीजिएगा, और आगे बहुत से एल्बम आ रही है तो सभी को ऐसे ही प्यार दीजिएगा, आप सभी की आभारी रहूंगी, बोलिए दरबार की जय। ये बात सीधे सीधे चले पी की तरह वाह बेटा सीधे सीधे सभी बच्चे उन्हें बीच इब के नंबर
और आप सभी नहीं बोले इनके नंबर के बाद मेरा से, लेकिन सभी ने जोर से बोला इनके नंबर, इनके नंबर वाजी। और सभी ने क्या कह रहे, मैं के बोलू Thank you.
सबके जन्म में देर है पर अंधेर कभी नहीं है। और क्या कहना है, मेरा सपना पूरा होगा छोटी साल घड़े तारे पर इब के नंबर बाजू वाले की आप लोगों की दुआएं ही है। मैं ऐसे ही चढ़ू, ऐसे ही बस तरक्की रहा पे चलू, आप लोगों की दुआएं हैं। लेकिन अपने लिए दुआ करनी है, इब के नंबर आप सभी नहीं बोले पर इब के नंबर बाजू क्या कह रहे हैं, अरे पिछले साल घड़े मर्द की पहचान है
ये तो निशानी है मेरे हरियाणा की। बेटा घबराना नहीं है, ठीक है? बिल्कुल नहीं घबराना। हाँ, छोटा बड़े का कोई सवाल नहीं, मदद तो देख लिया धौसी की बॉडी थी भाई। कोई भी कलाकार है उसका इंटरव्यू जरूरी है। बेटा तेरा क्या नाम है? रानू। नाम तो बड़ा सुनो दरा रखे हो। तेरा किसका पापा है? सुन ले भाई, बाबू बनेगा क्या मारे सही का है। चलो कोई नहीं, हंसो, हंसना जरूरी है। बेटा भी मैडम के साथ छोटा सा बालाजी तन बन रहा है ना, फिर वीडियो बनेगी, सारे काम गुआंडा में जाएगी, बड़ी सोनी लागेगी है। वैसे भी तो डीजे में ब्याह शादी में नाचा है। और क्या? बिल्कुल ले के बाद जा सा मत इलाज क्या बालाजी ना मना तो फिर नाचे लो ना, बालाजी बोली बन ना। बेटा बालाजी बन जा तो कन्हैया बन जा, तू कुछ मर्जी बन जा, ऑलराउंडर है। टेंशन मत ले, बच्चे भगवान का रूप होते हैं भाई, एक भगवान का रूप है। कहते हैं ना कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं और हर घर में 10-12 जरूर होते हैं। आने के बिना हमने कौन सुना लगा। चलो लगाओ, सिर्फ नाचना है उनके चक्कर में, बाबा को मनाना है। नहीं नाचेगा तो मैं बैठा ले। चलो हां जी सर, ये लोग क्यों को नाचे और आप आ कर ले। हां सेंटर में हो, सेंटर में। हाँ जी लो जी। हाँ आजा। और क्या क्या है? ठीक है भी, अभी एक बार दिखा पहले कि तेरी ताल बैठूंगा। चल बस, मैंने फेलो है। हाँ पावरी, एक ही झटके में फ्लैट। ये तो शुरुआत है भी, ट्रेलर है, फिल्म तो बाकी है। बेटा ये तो ना 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 बेटा, थारा तो कुमार गोविंद गणेश को लाकर पूरी वीडियो लिखने तो तू ही सजाएगा। ये क्या था? ट्रेलर था ये। पिक्चर अभी पिक्चर अभी बाकी है। चलो जी शाबाश बेटा, चल 1 2 3 Thank you.
बोली अरे दूध का डर में नहीं अच्छे बच्चे का लड़की हाँ का डर में कोई मेरा ना 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 जी दूध का डर में नहीं बच्चे बच्चे का लड़की नौजवान को उठाने पड़ते हैं बहुत से सुनोगे तो बड़ा आनंद आएगा। वो कहते हैं कि धार्मिक भजन कोई कलाकार गाए और बीच में उठ के जाए तो उसके अंदर धार्मिक भावना नहीं होती। वो देशभक्ति भजन कोई कलाकार गाए और भगत बीच में उठ के जाए उसके अंदर देशभक्ति की भावना नहीं होती। और देशभक्ति की भावना जिस नौजवान में आज नहीं समझ लो गद्दार है अपने वतन का। इसलिए गद्दार नहीं बनना, इस भजन को प्यार देना है। और कैसा प्यार देना है सुनना जरा गौर से। हाँ अरे दम निकले इस देश की खातिर बस यही अरमान है और एक बार इस देश पे मरना सोचन मोह के समान है। हाँ गदा के साथ में कंधों पे उठाओ हनुमान देश के बॉर्डर पे फौजी भाइयों का हौसला बढ़ाओ हनुमान देश के बॉर्डर पे देश के बॉर्डर पे गदा के साथ में गदा के साथ में कंधों पे उठाओ हनुमान देश के साथ में गदा के साथ में कंधों पे उठाओ हनुमान देश के देश का यारो क्या कहना ये
पर खड़ा होकर दोस्तों ये बिल्कुल हकीकत है, मैं बड़ाई मारने की बात नहीं कर रहा। हिंदुस्तान के अंदर जितने भी फौजी हैं, सबसे ज्यादा फौजी अगर दिए तो हरियाणा की इस अहिरवाल बैच ने दिए दोस्तों। एक बार जोरदार ताली बजाओ शूरवीरों के नाम से। मुझे बड़ा गर्व है कि मैंने बताया कि उग्रवादियों ने कश्मीर में कमीना बंदी खिलाया और आतंकवाद की आड़ में पाकिस्तान ने गदर बचाया। आप लोगों ने टेलीविजन में देखा होगा, अखबार में पीछे पड़ा होगा, हिंदुस्तान के एक सैनिक का सर कलम कर लिया जाता है और पड़ोसी मुल्क दुश्मन देश के सैनिक उस सर को अपने साथ ले जाते हैं। क्यों पूछो, यहाँ पर फौजी बैठे होंगे, देश की सीमाओं के हालात ऐसी छोड़ के आए थे क्या? आज हिंदुस्तान का नौजवान डरता नहीं है भगत जनों, आज हिंदुस्तान की सीमा पर ऐसे शेर खड़े हैं। ये माँ खुद कमजोर हो सकती है लेकिन ऐसा शेर पैदा कर देती है जिनके इतिहास पढ़ जाते हैं भगत जनों। आज अगर हिंदुस्तान का सिपाही चाहे वो तो एक गर्दन लेकर के गए हैं, ओनली फॉर 2 मिनट के अंदर 200 सर लाने की क्षमता रखता है। एक बार जोरदार फिर ताली बजा के स्वागत करूंगा भगत जनों। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, आज हिंदुस्तान का नौजवान अरे मैं चाय पीऊंगा के बीच में इतना बाहर रख कर रखते हैं, ये कोई प्रोग्राम चल रहा है या कोई गाड़ी थोड़ी करा के बीच में 2 मिनट का ब्रेक ले लें। तो भगत जनों हिंदुस्तान का नौजवान सिपाही डरता जरूर है लेकिन एक बात से डरता है, वो कौन सी बात? कच्चे धागे के बंधन से बंधी है हमारी फौज। आज पड़ोसी मुल्क दुश्मन देश को एक बात बता देना चाहता है हिंदुस्तान का नौजवान, सुन लेना जरा गौर से, कि क्या कश्मीर कश्मीर की रट लगा करके रखी है, एक दिन तुम अपने पाकिस्तान से भी हाथ धो बैठोगे। कि हम डरते नहीं है बम्बों से, विस्फोटक जल पोतों से। एक हिंदुस्तान का नौजवान कहता है भगत जनों कि हम डरते नहीं है बम्बों से, विस्फोटक जल पोतों से, हम डरते हैं तो सिर्फ शिमला जैसे समझौतों से। अरे सियार भेड़ियों से डर सकती है सिंहों की औलाद नहीं, और रघुवंश के इस पानी की है तुमको पहचान नहीं। अरे एटम बम बना दिया, एटम बम बना करके तुम इतना क्यों फूल गए? अरे 65, 71, 99 के शायद युद्धों को भूल गए। तुम याद करो अब्दुल हमीद ने पैटर्न टैंक जला डाला, हिंदुस्तानी नेटो ने अमरीकी जेट जला डाला। तुम याद करो काजी का बेड़ा झटके में ही गिरा दिया और ढाका के जनरल यादी को दूध का पिला दिया। तुम याद करो 90,000 पाक जवानों को, और तुम याद करो शिमला समझौता इंडिया के असानों को। पाकिस्तान ये कान खोलकर सुन ले, आपकी बार अगर जंग छिड़ी तो नामो निशान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा, पाकिस्तान नहीं होगा। और फिर अपना हाथ साफ करता दुश्मन देश के, इसमें सेना का कोई रोल नहीं, ये तो आतंकवादी गतिविधियां हैं। लेकिन हिंदुस्तान का आज बच्चा बच्चा समझ चुका है कि लाल कर दिया लहू से तुमने श्रीनगर की घाटी को, अब किस कफलत में छेड़ रहे तुम सोई हल्दी घाटी को। अरे चहल पिलाकर मछमता उन कश्मीरी परवानों को और फ्याल लालच दिखलाकर तुम भेज रहे नादानों को। खुले प्रशिक्षण खुले शिविर है, खुली हुई शैतानी है, सारी दुनिया जान चुकी है हरकत पाकिस्तानी है। बहुत हो चुकी मकारी, बहुत हो चुका हस्तक्षेप, समझा दो उनको वरना फलक उठेगा पूरा देश, और देश अगर हो गया खड़ा तो त्राही त्राही मच जाएगी, पाकिस्तान के हर कोने में महापर्य मच जाएगी। क्या होगा अंजाम तुम्हें अनुमान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा, पाकिस्तान नहीं होगा। और आखिर में एक बात बोलता है हिंदुस्तान का नौजवान, सुनना भी गौर से, बहुत से ऐसे लड़के और लड़कियां यहां बैठी है जिन्हें डिफेंस में फोर्स में जाके देश की रक्षा करने का मौका मिलेगा। आज हिंदुस्तान का नौजवान कहता है कि पुरानी बात भूल जाना, पढ़ी लिखी फौज सेना में आ गई, पुराने हथियार निकल गए, नई टेक्नोलॉजी भारतीय सेना में आ गई, अगर आपकी बार लड़ाई लगी तो क्या हिसाब करके रख देंगे? एटम बम बना दिया, उन पर हिम्मत कौन जुटाएगा? उन्हें चलाने क्या तुम्हारा बाप आएगा? लड़ाई लगी तो चेहरे का खोल बदल देंगे, इतिहास की क्या हस्ती है पूरा भूगोल बदल देंगे, धारा हर मोड़ बदल कर लाहौर से गुजरे की गंगा, इस्लामाबाद की छाती में लहराएगा भारत का तिरंगा, और रावलपिंडी से लेके कराची तक सब कांत हो जाएगा, और सिंध नदी के आर पार पूरा भारत हो जाएगा। सदियों सदियों तक जीने जैसा शैतान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। वेरी गुड, हर बच्चे के अंदर देशभक्ति की भावना होना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, इसी का नाम सत्संग होता है, सत्संग इसी का नाम है। अच्छी बात यहाँ से सीख के जाओ, अच्छा सब यहाँ से लेके जाओ, उसे सत्संग कहते हैं दोस्तों। और आगे क्या कहते हैं भारतीय फौजी अपने बालाजी महाराज को अपने बॉर्डर पे बुलाते हुए क्या बता दिया? अरे उग्रवादियों ने कश्मीर में कमीना बंद दिखलाया, उग्रवादियों ने कश्मीर में कमीना बंद दिखलाया, आतंकवाद की आड़ में पाकिस्तान ने गदर मचाया, आतंकवाद की आड़ में पाकिस्तान ने गदर मचाया। अरे देश
कथा के साथ में बंदूक उठाओ हनुमान देश के बॉर्डर पे है भाइयों का हौसला बढ़ाओ हनुमान देश के बॉर्डर पे देश के बॉर्डर पे देश की धरती मेरे देश की माटी रे मेरे देश की धरती सोना उगले रही रे माटी मेरे देश की माटी मेरे देश की धरती बालाजी ईट से ईट बना दो पाकिस्तान को लंका नगरी की तरह आज चला दो अरे अपना है असली रूप दिखा दो अपना असली रूप दिखा दो पूरे करो हनुमान कथा के कथा के कथा के साथ में हनुमान देश के बॉर्डर पे फौजी भाइयों का हौसला बढ़ाओ हनुमान देश के बॉर्डर पे देश के बॉर्डर पे है और फौजी रात को जाके दुनिया रात को सोती है और फौजी रात को जाके अरे खतरा बना रहता है दिल सोस कोस पे भागे खतरा बना रहता है दिल सोस कोस को भागे दुनिया रात को सोती है और फौजी रात को जाके और खतरा बना रहता है दिल सोस कोस पे भागे ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ आपको भगे जनों क्योंकि 600-700 किलोमीटर नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी अंगूठी यानी कोनी मेरा एलओसी क्यों है जो गुजरात से लेकर श्रीनगर तक भारत और पाकिस्तान को अलग करता है बॉर्डर उसे बोलते हैं एलओसी चप्पे चप्पे के ऊपर आ जाते हैं बेटे खड़े हैं जिनकी बदौलत हमारा यहाँ पर जगराता चला हुआ है भगत जनों और एक बात और आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पर फौजी बैठे हैं मैंने पता है आप लोगों का फौजियों का एरिया है ये हमारी आर्मी के अंदर एक अलग से बटालियन होती है जिसे बोलते हैं आरआर राष्ट्रीय राइफल हर जवान को 2 साल वहां पर जो है नौकरी करके आनी पड़ती है वो खतरे का एरिया होता है वहां पर मुठभेड़ में गोलियां तकरीबन चलती रहती है जंगल पहाड़ों में बॉर्डर के ऊपर मेरे को भी 2 साल एक आरआर काटने का मौका मिला और मौत के बिल्कुल नजदीक से निकल के आते हैं फौजी उस एरिया के अंदर से दोस्तों बता देना चाहता हूं मैं ऐसा कोई भी दिन नहीं गुजरता पूंछ राजौरी बारामूला डोडा बांदीपुर श्रीनगर कुपवाड़ा सेक्टर के अंदर ऐसा कोई भी दिन कोई भी घंटा कोई भी मिनट कोई भी सेकंड नहीं गुजरती कि 24 घंटे आतंकवाद मुठभेड़ में गोलियों की ना चलती इस टाइम देख लो टाइम इस टाइम हम तो मजे से बालाजी महाराज का गुणगान कर रहे हैं बस्ती में झूम रहे हैं नाच रहे हैं गा रहे हैं लेकिन इस टाइम भी किसी ना किसी माँ के बेटे की लाश तिरंगे झंडे में लिपट के और ताबूत में पैक होकर और दिल्ली और जयपुर एयरपोर्ट पाने की तैयारी चल रही होगी भगत जनो एक बार जोरदार ताली मारो ऐसे सूरवीर नौजवानों के नाम से जिनके नाम से चला हुआ है कैसे अरे दुनिया रात को सोती है और फौजी रात को जाके अरे दुनिया रात को सोती है और फौजी रात को जाके अरे खतरा बना रहता है दिल सोस कोस पे भागे अरे खतरा बना रहता है दिल सोस कोस पे भागे अरे मेरे तिरंगे झंडे
की मेरे तिरंगे झंडे की सदा ऊंची रखना शान कथा के साथ में पंथू के उठाओ हनुमान देश के बॉर्डर पे मोदी भाइयों का हौसला बढ़ाओ हनुमान देश के बॉर्डर पे देश के बॉर्डर पे वतन तेरे लिए कथा के साथ पे बंटू के उठाओ हनुमान देश के बॉर्डर पे फौजी भाइयों का हौसला बढ़ाओ हनुमान देश के बॉर्डर पे 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 भारत माता की नहीं आई आवाज उठाओ हाथ ऊपर सारे उठाओ भाई हाथ ऊपर उठाओ आवाज को नहीं आई भाई सारे 25-25 ग्राम और ऊपर करो ज्यादा को नहीं बोलो वेरी गुड और अभी बिल्कुल जोश के साथ जयकारा लगाना है और ऐसा जयकारा लगाना है आज तक लगे ही ना हो राम राम जी आज तक लगे ना हो महेंद्रगढ़ जिले में पूरे में मैं बोलूंगा बालाजी महाराज की और आपने सांस खींच के और पूरा सांस जयकारे में छोड़ना है जय जय हो जितनी सांस है ना आपका पूरा जयकारे में जितना लंबा जयकारा लगाओ हाथ ऊपर करो चलो खींच लो सांस ए बुढ़िया तू तो रहने दे कदे खाम का सांस अटक जावे आवे को नहीं शहीद हो जावे नाम मेरो लाग जावे गाबरू गाबरू से छोरे की बात करूं मैं चलो खींच के लो शाबाश बोल बालाजी महाराज की आज पहली बार इतना लंबा जयकारा लगा होगा आपके डिस्ट्रिक्ट में गारंटी की बात है भगत जनों जो मैंने भजन सुनाया देखो आपने बड़े प्यार से सुना ऐसा नहीं है अच्छी चीजों की कदर है अपने हरियाणा के अंदर आप लोगों ने बड़े प्यार से सुनी ये बात मैं बड़ा खुश हूँ अच्छे अच्छे गीतों को आप प्यार दिया करो बुरा मत मानना ये बुढ़िया बैठी है थोड़ी आवाज घुमाए खुल ये आज भी अगर पांच साथ इकट्ठी हो जावे ना तो बड़े सुंदरे सुंदरे गीत गावेंगी सत्संग के इतने सोने काना के कीड़े चढ़े पांच पता से फुला का जोड़ा ले मैया बह जाऊं जिस दाढ़ी री मेरी मैया बैठी वह दाढ़ी झुक जाओ मेरी क्या बात है ओए होए ये गीत और बेटा हंसना है छोरी और आजकल कैसे गीत आगे बताऊं बुरा ना मानियो किसी टाइम भी टेलीविजन चला लो ये पुराने गीत तो खत्म और बुरा मत मानियो टेलीविजन के चलते ही चिकनी चमेली में हम बाहर घर पे में आई जगह पे बैठा लगा लगा खत्म ना गाने का पूछड़ ना सिर छोटे छोटे बच्चों को यही नहीं पता गाना किया बच्चे भी नीचे करते आंधे गलिया में ऐसे कल्चर से बचा के रखो बेटा इन बूढ़ियों से पुराने पुराने गीत लिखवा लो ये बूढ़ी मर गई ना ये अपने गीत इनके साथ ही मर जाए ये और भाई आजकल देखो ये जो डीजे
पहले क्या होता था, तीन बाजे रह करते हुए होए ये बुढ़िया बैठी ना तुम्हारी दादी की उम्र की, तीन बाजे जाया करते गोरी तेरे रूप का तो दीवा सब है, दीवा सब है तेरे नाल लगाई ये मेरी रोटी लेके आई ये काम का दर है गोरी तेरे रूप का तो दीवा सब है ना तो भूलने की तो है करते इतने सुंदर ला गया करते रहे वो तीन बाजे इकट्ठे गए गए ये डीजे चल पड़े भाई तीन बाजे खत्म और डीजे के ऊपर भी चलो कोई बात नहीं डीजे आ गया सुंदर गीत तो बजा लो छोटा वास पड़ता है अलवर जिले में सच्चाई की बात बताऊं मैं उठे मेरा प्रोग्राम और मैंने बोला फौजी साहब गुड़चड़ी हो जा उसके बाद तेरा प्रोग्राम करवावांगे बका कोई नहीं गुड़चड़ी के बाद करवा लिया ऊपर खाना खा लग के और नीचे गुड़चड़ी में फिर थोर नाचे भाई उड़ा खूब और गाना बाज रहा आज मेरे यार की साथी है आज मेरे यार की साथी है आता गाना नाचने लग गया और उस गिद्दे में बीच में डीजे के ऊपर एक जवान लड़की सिर के ऊपर चुन्नी बांध रखी और पसीना पसीना हो रही बीच में पड़ रही और वो एक गाना ठा रखा आज मेरे यार के साथी है आज मेरे यार के साथी है मैं बोल रहा भैया कौन है बोला कौन खड़े बीच में नाचा बोला फौजी साहब यह दूल लगी जीजी है अरे तू लगी जीजी बोला भाई तू लगी सिस्टर नाचे और गाना ठा रखा आज मेरे यार के साथ बजाले आज मेरे यार के साथी है बोल के साथ दी बट चश्मा ला रही हाथ में टोका ले रही डीजे पानी भाजी आवे चलो महात्मा गांधी चल लो आवे वहां भी उस डीजे में बढ़ गिर गाना उसने भी वो ठहरा क्यों आज मेरे यार के साथी है आज मेरे यार के साथी है मैं बोल जाए दादी तेरा आके तो रूख भी सूख गए तेरा तो पोता ला गया तेरा यार कठे में आ गए हो तो इस करके ये जो गाने हैं जो हिसाब के बजाया करो डीजे के ऊपर भी जब आ गए तो कोई बात नहीं वेरी गुड और अभी एक भजन और आप लोगों के बीच में चाय चुए बाद में धक्का रखने जब मैं खड़ा हो जाता हूँ कोई चाय नहीं कोई ब्रेक नहीं चाय फौजी साहब चाय पीते सोने भजन गाऊं फिर माताएं बहने कितने प्यार से बैठे रहा फौजी बहुत सुंदर भजन सुनाया लेकिन इनकी सोच अलग है ये पता है क्या है एक भजन सुनाता हूँ मैं आपको बड़ा मीठा बड़ा अच्छा लगेगा आपको मास्टर जी थोड़ी आवाज भजन क्या है कि देखो छोटा छोटा बच्चा है बचपन में बच्चे का दिमाग कुछ होता है जो गाने है ना ये उम्र के हिसाब से अच्छे लगते हैं भाई पहले बताऊं मैं आपको ये छोटे छोटे बच्चे हैं ये कॉमेडी पसंद करते हैं ये माता बहने बैठी है ये धार्मिक भजन पसंद करेंगे बूढ़े बैठे हैं ये ऐतिहासिक रागनियां पसंद करेंगे और जितने ये 20 और 30 साल के बीच वाले हैं ये मेरा खून पीने के लिए आते हैं मुझे पता है ये रसीले प्रोग्राम पसंद करते हैं इसीलिए कहता हूँ उम्र के साथ साथ में गाना बजाना अच्छा लगता है और उम्र के साथ साथ बंदे का दिमाग बदलता है भाई जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और वो दिमाग कैसे बदलता है मैं बताता हूँ आपको बचपन में बच्चे का दिमाग कुछ होता है जवानी में कुछ बुढ़ापे में कुछ सुनने लगो और से ये भजन आपको बड़ा अच्छा लगेगा मीठा मीठा भजन होगा लेकिन इस भजन में ज्ञान बहुत मिलेगा कैसा ज्ञान मिलेगा देखना भी कौन सा पहला दूसरा तीसरा चौथा स्टार्ट होता हाँ ये ले मैंने कितनी तकली भूमिका बनाई अब ये उठ के चाल पड़ी ए ताई पाली तू कठे चाल ले ए चोरी भी मेरे तो छोटी है पड़ी हो ए जरूरी काम जावे तो जान दो पर घर मत ना जान दियो आज ये की वापस कोई बात नहीं जावे तो पर यो भजन तो मैं तेरे खातिर गाऊंगा तो उठ के चाल पड़ी शाबाश ये पा ऐसे जम के बैठ जाओ ऐसे एक ने कही दूसरे ने मानी दोनों ही भर लिया चलो जी बात हां सिनेमा तुमने सुना है रात में थोड़े दो बजे खैर तो है नेक्स्ट रखा है ना गूगल भाई सुनो मैं बताऊ आजकल ये जो इसके बाद खाऊंगा आजकल ये मोबाइल का जमाना आ गया भाई अबे बेटा चुप इस मोबाइल के अंदर एंटी आज का सबका हाथ में मोबाइल मिलेगा पर मैं गारंटी दूं बालाजी के जागरण में तो ये जरूर बैठे हैं इनके मोबाइल की म्यूजिक गैलरी खोल के देखो
असल में तो लोग लगा के रखे हैं, कोई खोल सके ही बोली। अगर खुल भी गई मुझे गैलरी तो किसी के फोन में बालाजी को भजन नहीं मिला, किसी के फोन में बाबा श्याम को भजन को नहीं मिला, कोई माता रानी का भजन को नहीं मिला। बुरा मत मानियो, इनके तो दिल आगे ऊपर कुहाड़े बाज रहे, इनके फोन में बाबा की भक्ति में भी लगाओ आप लोग, सुबह शाम सुनने के लिए दो चार भजन जरूर रखा करो। चलो जी, हाँ बचपन रहे थोड़ी देर फिर कांगा में दे दिया, जो मेरे पास क्या मोबाइल ना बेटा, ऐसा नहीं गलत वेरी रॉन्ग प्रोसीजर, ये बच्चे क्या सोचेंगे रात ना पौने दो बजे कांगा का लगा के सोने तो। हाँ बचपन रहे ये बुढ़ापा रहे ये जवानी ना रहे, ये जवानी ना रहे, अरे ये बचोती विकास है मेरा जिंदगानी ना रहे। अरे साल इसी बे में हमारे में से एक आध बंदा कम हो जाए, क्योंकि अनहोनी कम हो जाए, पता नहीं एक कदम रख दिया दूसरे का नहीं मेरा, रख पाओगे को नहीं रख पाओगे, यही बंदे के हाथ में नहीं है। घर से बंदा निकलता है 365 करोड़ एक्सीडेंट से डेली हिंदुस्तान में मौत होती है। किसी ने सच्ची कहा भगत जनों कि एक दिन हम शहर को निकले, दिल में कुछ अरमान थे, एक तरफ जंगल था तो दूसरी तरफ शमशान थे, और चलते चलते एक हड्डी से पैर टकरा गयो, उस हड्डी के बयान थे, अरे वो चलने वाले जरा संभल के चल कर दे तो भी इंसान थे। इसीलिए कहता हूँ भगत जनों, हाँ बचपन रहे ये बुढ़ापा रहे ये जवानी ना रहे, अरे ये तो दो दिन को सर के हो जिंदगानी ना रहे, अरे ये तो दो दिन को सर के हो जिंदगानी ना रहे। दिल में खुशी और होठों पे हंसी, भाई गौर से सुना इन शब्दों का मतलब क्या है। दिल में खुशी और होठों पे हंसी, आंख में पानी ना रहे, आंख में पानी ना रहे, दिल में खुशी। बचपन में कौन अच्छा लगता है बेटा, बचपन में कौन अच्छा लगे बेटा, सबसे प्यारा कौन लगे बताइए, बता बेटा ये गुड़िया कौन अच्छा लगे बताइए, तो बता बेटी कौन अच्छा लगा बचपन में, माँ ये देखिए बैठा माँ की बगल में, बेटा बचपन में कौन अच्छा लगे माँ, है तो मर्द ये, लेकिन ये इनकी सोच है, अभी इनकी उम्र कच्ची है, ये इनकी सोच मैंने बताया था ना, उम्र के साथ सोच बदलती है, यानी बचपन में बच्चे को माँ अच्छी लगती है और जवानी में बताऊंगा मैं ऊपर आने तो बता, देखो देखो बदल गई ना सोच। अरे मैं जमीन तो बोलू पर कैसा क्या सोच बदला है, बचपन में माँ अच्छी लगती है, जवानी में पत्नी अच्छी लगती है, फिर वो माँ अच्छी को नहीं लगे जो 20-25 साल का करके अपने बेटे ने पढ़ावे लिखावे नौकरी लगावे और उस बन्नो की जोड़ी में पा देवे। और बुरा मत मानियो, बन्नो मारे आजकल इसिया में बीए पास करने में 15 साल लगे, कितने 15 साल, लेकिन 15 मिनट में छोड़े का हाथ में बीए की डिग्री दे दे मैं बनो आती, मेरा ना एक रात नहीं बीए पास बेटा, अगले दिन सुबेरे माँ से बटेर की ढाड़ा बदल जावे छोरा, यानी क्या बचपन में माँ अच्छी लगती है, जवानी में पत्नी अच्छी लगती है और बुढ़ापे में सोच के देखो, सोच के देखो कौन अच्छा लगेगा। बचपन में माँ अच्छी लगती है, जवानी में पत्नी अच्छी लगती है और बुढ़ापे में पोता पोती अच्छे लगते हैं, मेरा पोता पोती, क्योंकि बुढ़िया तो गई जो माँ तो गई ऊपर और बुढ़िया के सागर ये सिंह फंसा के रखे फिर वो अरमूल से प्याज प्यारा ला के, देखा बचपन में माँ अच्छी लगती है, जवानी में पत्नी अच्छी लगती है और बुढ़ापे में पोता पोती अच्छे लगते हैं और मृत्यु के समय कौन अच्छा लगता है। दिमाग से बताओ, जब इंसान को दिख जाती है तेरी मौत जो है अभी निश्चित है और आने वाली है, उस टाइम पे कौन अच्छा लगता है, दिमाग से बताओ। भगवान देखा, अरे मैं यूं ही तो थारे का कुहाड़ा चाहूं था, आज 2 बूंद खून की हमारे शरीर में है, आज तो हम पता नहीं क्या कर दें, आज भगवान हमें अच्छा नहीं लगता,
और मृत्यु के समय भगवान अच्छा लगेगा। भगत जनों आज से ही भगवान को याद करोगे तब जाके भगवान मिलेगा, वरना अंतिम समय के अंदर अगर भगवान को याद करोगे तो अंतिम समय में भगवान नहीं मिले। इसीलिए कहता हूं मैं, क्या कहता हूं, हाँ कोठी रहे ना ये बंगले रहे, कोई दी शांति ना रहे, कोई दी शांति ना रहे, कोठी रहे ना ये बंगले रहे, कोई दी शांति ना रहे, कोई दी शांति ना रहे, अरे तो दो दिन का है मेरा चित का दीना रहे, अरे तो दो दिन का है मेरा चित का दीना रहे। जमीन ले ली राजस्थान में, बड़ा खुश हो रहा है, किसकी है ये जमीन, कल कोई और मालिक था, आज तू नवाब बन गया, परसों कोई और मालिक हो जाएगा इसका। रंक रहे ना राजा रहे, कोई रानी ना रहे, भगत जनों बड़े बड़े चल गए, स्वर्ग लोक के ऊपर सिर लगाने की माथा रखने वाले लंकापति रावण चले गए, नहीं रहे यहाँ पर, और एक पैर के साके उंगली फोर, एक पैर के साके ये करके जो तरते नाप दिया करते उनका खर खोज नहीं। सिकंदरगढ़ में चले गए भगत जनों, जिन्होंने कबर खोद खोद के भी, जो मुसलमान लोग जब मरते हैं उन्हें दफनाते हैं ना, तो कुछ गिनती कुछ पैसे उनकी कबर पे रखते हैं, और वो कबर खुदवा खुदवा के भी सिकंदर ने सारे पैसे निकलवा के एक बार तो सारी दुनिया की दौलत जो है ना वो सिकंदर ने अपनी मुट्ठी में कर ली थी। और आखिरी समय जब वो सिकंदर जाने लगा, जब उसको भगवान याद आया, कभी देख मैंने सारी जिंदगी पैसे इकट्ठे कर करके आज सारी दुनिया की दौलत जिस सिकंदर की मुट्ठी में है, जिसके हाथ में है, और आखिरी समय जब उसका आखिरी टाइम आया तो उसने अपने घरवालों को बुला लिया और उसने बताया कि भाई जिस टाइम पर आप मेरे को दफनाओ ना, तो मेरे दफनाने के बाद मेरे जो इतने इतने हाथ है ना वो बाहर करके ऐसे और मेरी कब्र से बाहर छोड़ देना, क्योंकि लोगों को पता चल जाएगा कि ये वही सिकंदर है जिसने सारी दुनिया की दौलत को अपने मुट्ठी में कर रखा था, और आज ये जब गया तो उसके दोनों हाथ देखो खाली है, यहाँ से कोई कुछ नहीं लेके जाता भगत जनों। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ, रंग रहे ना राजा रहे, कोई रानी ना रहे, कोई रानी ना रहे, अरे ये तो दो दिन का है मेरा जिंदगानी ना रहे, अरे ये तो दो दिन का है मेरा जिंदगानी ना रहे। कभी मेरे बेटे का नजर ना लग जाए, तो भगत जनों ये भी भगवान की देन है, गोड की भट है, और ये काया कि रंग रहे ना रूप रहे और चुनरिया दानी ना रहे। ये बुढ़िया जो बैठी है ना, ये पिड़िया ओटे मोटी मोटी लुगड़ी ओटे, इन्होंने भी कभी मेरी भाभी और की तरह पतले पतले दुपट्टे ओढ़ के गलियां में फटकार मारी थी, लेकिन समय समय की बात है, वो समय निकल गया और बीता हुआ समय कभी वापिस नहीं आता। और एक बात और बता देना चाहता हूँ, आप बैठे हो, नारी जाति की हिंदुस्तान में कदर होती थी तो पहले नंबर पे हमारा देश था, आज बुजुर्गों की इज्जत हमने घटा दी, इसीलिए हमारा देश सबसे पीछे चला गया। एक बहुत ही कड़वी बात मेरे याद आ गई, बुरा मत मानियो, इन बुढ़िया की कदर कितनी करते हैं ये बच्चे आजकल वाले। एक बुढ़िया बस में बैठ गई, बस में खचाखच भीड़, वह बुढ़िया बोली सीट पे एक छोरा बैठा पढ़ने वाला कॉलेज में, बोली रे बेटा मैंने दवाई लेने जाना है, बीमार हूँ, बुढ़ी लुगाई हूँ बेटा, अब तू खड़े हो जाओ तो मैं बैठ जाऊंगी सीट पे। छोरा बोला ना आंटी मैं तो सीट को नहीं छोड़ू, रोज को काम है। बोली कोई बात नहीं बेटा, बैठा रह तू, मैं तेने को नहीं छेड़ू। बुढ़िया आगे जाके
और ड्राइवर साइड के बराबर में इंजन के ऊपर जो बोनेट होया करे ना बेचारी पे खड़ा कोनी रह गया उस बोनेट पे बैठ गई और ड्राइवर ने भी कोनी ठाई भाई बूटी लुगाई है चल कोई बात नहीं बैठी रहने दे अगले स्टॉपेज के ऊपर अड्डे के ऊपर जाके अगले गांव में बस रुकी और उस बस के अंदर जो लड़का बैठा था ना सीट पे उसके सामने पड़ने वाली गुड़िया चढ़ गई और उसने देखा उसको आते ही अरे एकदम से सीट छोड़ दी बोले हेलो मैडम एक्सक्यूज मी प्लीज मैं खड़ा हो जाऊंगा आप बैठ जाओ इस सीट पर। वह बुढ़िया तो बिठाई नहीं जो अपनी माँ की उम्र की है और अपनी बुआ बिठा दी उस सीट के ऊपर बुरा मत मानियो बताओ मैं बुढ़िया की इज्जत कितनी कर रहे हैं कापरिया आगे ना बस गई थोड़ी सी आगे ना बस गई वह लड़की बैठी थी जो सीट के ऊपर उस बुढ़िया की तरफ देखा हंसने लगी और बुढ़िया भी तेरे भी तरह चढ़ाया बुझे एक तरह सीट लेगी और ऊपर तक मना उसके चिड़ा हुआ बुढ़िया ने सोचा रहा कटर दे रहा जमाना ही सही है हाँ कतरा ले रो केस थोड़ी सी आगे ने गई बस वह छोरी फिर उस बुढ़िया की तरफ देखा हंसने लगी भाई पुरानी बुढ़िया थी बुढ़िया पर रुकिया को नहीं गया बुढ़िया खड़ी हो गई उस पॉइंट के ऊपर है और सीट के कन्ने जाके और छोरी के कमर पर हाथ मार के बोली कोई बात नहीं बेटी हंसने 20 साल पाछा तन्ने भी स्पोर्ट पे आनो सजन से पे मैं बैठी सदा सीट तन्ने भी नहीं मिले तो इसीलिए बुढ़े हमने भी होना है अगर आज हम बुढ़ों की इज्जत करेंगे तो कल को ये बच्चे हमारी इज्जत करेंगे वरना फिर हमने भी सीधा बोनेट पे सदा सीट नहीं मिले तो क्या बता दिया हाँ रंग रहे ना रूप रहे चुनरिया धानी ना रहे चुनरिया धानी ना रहे सॉरी ठाउ आज जितनी अरे तू भी लुगाइया में शामिल है के भाई पांच छह सिर्फ लुगाइया लुगाइया कोई बोल रहा है जय करा इतना जोर का लगाओ कि तुम जीत दर्ज कर जाओ आना मत एंटी अनुभव कह दे बुआ ने जैसे घर आकर इस रखे कर ना तबेटा यू बेटी यू आने जोर लाएंगी आने मौको है जीतने का शाबाश उठाओ हाथ ऊपर बोल बालाजी महाराज की वेरी गुड बेटा बहुत जोर लगाया आपने ये था महिलाओं का जयकारा और अब होगा मर्दों का जयकारा जितने ये मर्द बैठे हैं हाथ ऊपर करो अब हाँ हाँ सारे के सारे जितने मर्द बैठे हैं आगे वाले पीछे वाले ये पुलिस वाले मर्द में शामिल कौन के भाई उठाओ ना सारे के सारे और जोर से बोलियो पूरा हरना नहीं है जीतना है तुम कान में अंगुली दे लो बेटा कभी पर्दे फट जाए बहुत ऊंची चीख लगेगी शाबाश बोल बालाजी महाराज की बड़ा जोर लगाया जीत जाओगी नहीं जीत सकती मतलब ही कौन जीत जाओ वो जमाना चला गया एक बात तो है जमाना पलट गया भाई पहले क्या होता Hello.
और क्या कहा वो जी भजन सुना दे तू जो हमारे गुरदास मान जी क्या बताते हैं कहते हैं कि दिल होना चाहिएगा जवान तो उम्र की रखे शीनू की मम्मी हूं तो ये बच्चे सभी म्यूजिशियन बच्चे जितने भी मेरे बच्चे बैठे हैं मैं की सभी की माँ के सलाम है और बाला जी के चरणों में हाजिर लगाना कोई उम्र नहीं देखी जाती उम्र नहीं देखी जाती मेरी खुशी है कि आप लोगों ने मुझे बुलाया एक एज दराज उम्र दराज लेडीज को भजन सुनाने का मौका दिया तो मैं बहुत खुश हूँ तो मैं धन्यवाद करती हूँ सभी भक्तों का तो एक बालाजी महाराज के चलो मैं एक जयकारा बोल दीजिए चलो श्रीमती जी बुलाइए एक मिनट I'm gonna make it.
लटकी के पल्लो लटकी के मैया को पल्लो लटकी के ऐसा बोलते हैं चलो अभी देखो भी सबसे पहला उदाहरण रामायण से लिया गया है। अयोध्या नगरी के अंदर खुशी मनाई जा रही थी कि सुबह सीनम जी रामचंद्र जी को राज तिलक होगा और अयोध्या क्या बड़ी के मारी से कपट पड़े और हमारे आंटी जी भी तो पहुंचाई अटेरी का सुप्रसिद्ध दोस्तों मैं सिंगर फौजी करमवीर आपने मेरा वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। थैंक यू वेरी मच।